हम लोग ओके फ्रेंड्स वेलकम अगेन। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि जो अभी हम स्टूडेंट्स जुड़ नहीं पाए उनके लिए। सो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल फाइन। सो दिस इज द टॉपिक इंडिया एंड इट नेबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रियंका मैम विल बी टेकिंग योर दिस सब्जेक्ट। सो नाउ आई हैंड ओवर टू प्रियंका मैम एंड मैं भी आपके साथ रहूंगा। एंड इफ एनी डाउट्स इज देयर तो वही जैसे आप लोग अपना ऑन करके बात करते हैं तो आप अपना फिर बात कर लीजिएगा, बट उसके बाद यू प्लीज म्यूट योर दिस थिंग। आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा। ओके एंड नाउ टू प्रियंका मैम। Good evening, all students. Now, today, and I will take your class. मैं हिंदी में भी बोलूंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है इंग्लिश एंड हिंदी, they have to means understand the things. So today, हम लोग बेसिक सबसे पहले इंडिया के बारे में समझेंगे। आज का यही टॉपिक है और हम पहले सिलेबस जानेंगे। अपना SSC का सिलेबस क्या है आप देखिए एक बार। जनरल अवेयरनेस को कितने पार्ट्स में हमने बांटा है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स होता है, इसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं SSC में। दूसरा पार्ट होता है आपका साइंस का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों आते हैं। इन तीनों में से कुछ कुछ बेसिक्स आपके सवाल होंगे जो आपको आपने पढ़ा होगा। ये सब हम 3rd से लेकर 10th तक पढ़ते हैं, बट क्या होता है भूल जाते हैं, तो उसको वापस से रिकॉल करना पड़ेगा एक टू द पॉइंट टिप्स टाइप से, सो दैट कि आप याद रख सको। देन सोशल साइंस है, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इसके अंदर आएंगे, जिसमें 5 से 6 सवाल होंगे आपके। कंप्यूटर से जनरली मैंने पूरा एनालाइज किया है, एक ही सवाल आता है। और इकोनॉमिक्स से आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। उसके बाद आपका एक है इसमें प्रतिभा, यू आर रेजिंग योर हैंड, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? एनीवे Let's continue with the class. Fine. One, static awareness होता है। इसका मतलब है जैसे जो चीजें बदलती नहीं, जैसे मान लीजिए कोई डेज है, करेंसी है, या फिर कोई ऐसा प्लेस है जो हमेशा वही रहेगा, तो उस तरह का एक क्वेश्चन है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 25। आप में से किसी ने अपना ऑडियो खोल दिया था, ऑडियो को म्यूट में रखिए। मैंने अभी म्यूट सबको कर दिया, बट नाउ यू कैन ओपन योर ऑडियो। सो प्लीज स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग, यू जस्ट सी कि आपका ऑडियो ऑन नहीं रहे। प्लीज कीप योर म्यूट ऑडियो ऑफ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू देख नहीं तो बंद कर दे जी, अल्लाह ना कराओ। कर दे नहीं दे, फाइन कंटिन्यू विद द क्लास। ओके, तो आपका सिलेबस आपको समझ में आ गया। इसमें से मिनिमम आप ऐसा मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो करना है। उसके लिए आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले है हम आज पढ़ेंगे इंडिया के फिजिकल मैप और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, और कितने स्टेट्स होते हैं टोटल वो जानेंगे। तो उसमें हम आपको पहला स्लाइड ये है, जैसे इंडिया के स्टेट्स कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज कितनी है। तो हमारे टोटल जो स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। इसको आप यहाँ से देखो तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इंडिया को डिवाइड करते हैं अपने कितने पार्ट्स में। सबसे पहले आप देखो डायरेक्शन को समझो, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन यहाँ पे रखा है कि आपको डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ आपका ऊपर की तरफ होता है जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, और साउथ नीचे होता है। आप ये दोनों बेसिक्स पहले समझिए, नॉर्थ एंड साउथ। फिर क्या होगा, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो हमेशा ईस्ट आपके क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ के। तो ये ध्यान में रख के आपको डायरेक्शंस का पहले ज्ञान होना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट योर डायरेक्शंस रिगार्डिंग होल मैप, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच थिंग्स इन अ वेरी इजी मैनर। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिवाइड आवर इंडिया इन अ 5 different parts. सबसे पहले देखिए आपका ये आ गया वेस्ट, इस तरफ है ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और बीच में सेंट्रल पार्ट। और जो ईस्टर्न पार्ट में हम 2 भाग में बांटते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गई ये पूरी एक तरफ, दूसरा आपका एक ईस्ट, ओनली ईस्ट पार्ट। तो इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है और इसका एक आसान सा बनाया है एब्रीविएशन आप लोगों के लिए। ये आप लोग भी अपने से कर सकते हो, एब्रीविएशन खुद भी बना सकते हो।
जैसे मान लीजिए ईस्ट है, तो ईस्ट में आप देखो वो डब्ल्यू और जे भी, वो जब मैंने एक स्मॉल सा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, ईस्ट में आपके चार स्टेट हैं। चार स्टेट कौन कौन से हैं ईस्ट में, आप देखो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। तो ये चारों आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। सेम इसी तरह अब हम आएंगे वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट आप देखो इसका जीएमजी, जीएमजी मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, दीज थ्री आर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, जब आप कुछ इस तरह से स्टेट्स को ध्यान में रखेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट थर्ड है इसका नॉर्थ, ओके नॉर्थ में सबसे ज्यादा है एच पुरु एच, ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है जिससे आप लोग हमेशा याद रखें इसको। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश आएगा, यहाँ ऊपर जाके समझते हैं, हिमाचल आ गया, हरियाणा आ गया, उसके बाद पंजाब आया, उत्तर प्रदेश आया, राजस्थान आया। तो इस तरह से आप इसको, ये हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हरियाणा, ये नॉर्थ के पूरे पार्ट हैं आपके, ठीक है। सेम इसी तरह साउथ में जाएंगे तो के कैट किट किट, ये मैंने एक स्मॉल सा बनाया है, सो इसको बोलेंगे कर्नाटका। इसमें देखिए साउथ का पार्ट आप देखो, कर्नाटका आ गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे आपके साउदर्न पार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए ऐसे। अब बचा एक सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में सीएम, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दीज टू आर द सेंट्रल पार्ट। ये आपका इंडिया इस तरह से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये मैं आपको कुछ सवाल भी दिखाऊंगी अपने लास्ट के स्लाइड में जो आए हुए हैं एसएससी में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। इसमें क्या होगा, सेवन सिस्टर्स इसको बोलते हैं, लेकिन इसमें एक सिक्किम भी जुड़ा हुआ है जो बाद में जुड़ा, इसलिए इसको शुरू से सेवन सिस्टर्स ही बोला गया। ए टू एम थ्री एन टी एस, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, इसका एक मैंने दूसरा स्लाइड रखा है जो आपके लिए और यूजफुल है, जिसमें आपको क्लैरिटी से दिखेगी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे, इस मैप को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना सबसे ज्यादा आप देखो ईस्टर्न पार्ट में बाउंड्रीज जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज बहुत टच करती है। तो वो आपको मैं अभी इंटरनेशनल बाउंड्री पे आऊंगी, पहले स्टेट को एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम चलेंगे इसमें आपके, देखिए इंडिया जो है 28 स्टेट्स में है और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे। हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि बहुत लेटेस्ट अभी बने हैं, 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये कब बना, कौन से ये नए 2 अभी यूटी बने हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और उसके बाद आपके इसमें अभी क्या, इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन एक इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा कि अभी 2023 में इंडिया विल बी द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये बन जाएगी, तो उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है। अब नाउ वी विल गो टू नेबर्स, हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, केंद्र शासित, हाँ केंद्र के द्वारा चलाया गया जो है, उसमें देखिए उसमें भी यूनियन टेरिटरीज के लिए D2L2JCAP, ये है इसका एब्रीविएशन मैंने बनाया है, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, ये दोनों पहले अलग अलग थे लेकिन इन दोनों को एक बना दिया गया है। उसके बाद लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुद्दुचेरी, ये सारे यूनियन टेरिटरीज है, मींस केंद्र शासित प्रदेश है, इस पे केंद्र का एक तरह से शासन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट जो इसका सब कुछ होता है वो केंद्र से होता है, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मैडम ने बताया कि अभी बहुत रिसेंटली ये बने हैं, तो ये आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें हम जाएंगे नेबर्स के, तो सबसे पहले आप इसके फिजिकल, ये जो मैप है इसको आप देखिए, इसमें आप ब्लू लाइंस जो देख रहे हो ना, ये हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री एक पाकिस्तान के साथ है, उसके बाद इधर चाइना के साथ है, यहाँ नेपाल के साथ है, भूटान के साथ, बांग्लादेश तो बिल्कुल हमारे अंदर ही है,
यहाँ पर और यहाँ म्यांमार है, ये सारे जो है ये लैंड के थ्रू बाउंड्रीज हैं, और तीन ऐसी कंट्रीज है जिसकी आपके समुद्र के साथ में बाउंड्रीज होती है, वो है एक श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव और तीसरा है इंडोनेशिया। तो वो आप इसमें अभी पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपका इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज आ गया, नेबर्स। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ बांग्लादेश, जो मैंने आपको बताया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, और सी बॉर्डर आपका मालदीव, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया के साथ होता है। मालदीव एंड श्रीलंका दोनों जो है वो इंडियन सी में नीचे की तरफ रहते हैं, यहाँ पर इंडियन सी में, और इंडोनेशिया भी इधर ही है। उसके बाद आपका ये तीनों है। अब इसमें जो श्रीलंका है वो एक पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू मध्य, आपने सुना होगा नाम, ये उसके साथ अपने इंडिया से जोड़ता है अपना वाटर का कनेक्शन, क्योंकि लैंड बाउंड्री नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है जिसके कुछ आपके नाम दिए हुए हैं जो उस समय उन्होंने बनाए होंगे जब थे। तो पहला है पाक स्ट्रेट, जिसको पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, श्रीलंका और इंडिया के बीच का है ये। दूसरा है आपका मैकमोहन लाइन, जो कि चाइना और इंडिया के बीच है, इस लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये आता है क्वेश्चन जनरली कि इंडिया और चाइना के बीच का कौन सी लाइन है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच रेड क्लिफ लाइन होती है, ये रेड क्लिफ लाइन इसको बोलते हैं। आप लोग ध्यान दो कि देखो ये जो मैकमोहन लाइन हुआ, रेड क्लिफ लाइन हुआ, ये सब में ब्रिटिशर्स के नाम टाइप आपको लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटिश रूल जब हुआ करता था, तब से मैडम ने आप लोग को बताया, उस समय पे ये सारे लाइंस को डिफाइन किया गया था, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया था, तो उस लाइंस को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को, मैकमोहन लाइन और रेडक्लिफ लाइन नाम डाला गया था। और उसी समय क्या है, एक डुरंड लाइन हुआ करती थी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। आप कभी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अफगानिस्तान और इंडिया के बीच का डुरंड लाइन है, बट एक्चुअली नाउ इट इज इन पाकिस्तान अफगानिस्तान, बिकॉज अर्लियर ये पूरा पार्ट इंडिया का हुआ करता था, विभाजन के पहले की बात है ये, तो इसलिए इसका नाम अभी डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर का हो गया है। और इसी तरह सर क्रीक लाइन है, ये एक छोटी सी लाइन है जो कि सिर्फ गुजरात जो है आपका रैन ऑफ कच्छ गुजरात में है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सर क्रीक लाइन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि ये है तो पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री, बट इसको गुजरात से मिल, ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री मिलती है पाकिस्तान से। तो हमको ये याद रखना है, गुजरात एक तो वेस्टर्न पार्ट है और ये पाकिस्तान के पास है, इसलिए ये वाला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपके देखिए, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर्ड बाय एनी इंडियन स्टेट इज 3। तीन सबसे ज्यादा जो कोई भी स्टेट शेयर करता है इंटरनेशनल बाउंड्री मैक्सिमम, वो 3 है, और दीज स्टेट्स आर सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। दीज 3 स्टेट शेयर सबसे ज्यादा शेयर करते हैं बाउंड्रीज। इसका मैंने ये बना दिया है आपको समझने के लिए। देखिए अब वेस्ट बंगाल को जब हम देखेंगे, यहाँ ये देखिए ग्रीन वाली लाइन, ये जो है वेस्ट बंगाल, ये यहाँ बांग्लादेश को टच कर रही है, यहाँ ऊपर भूटान को टच कर रही है, और इस तरफ नेपाल को टच कर रही है। तो आपके इस तरफ क्या है, ईस्टर्न पार्ट हो गया आपका बांग्लादेश, इधर हो गया आपका भूटान, और ये नॉर्थ ईस्ट में आपका इस नॉर्थ वेस्ट में आपके हो गया नेपाल। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट नेपाल, नॉर्थ में भूटान, और बांग्लादेश ईस्टर्न पार्ट है। सेम इसी तरह सिक्किम है, सिक्किम देखिए आपका एक छोटा सा ऊपर है, ये देखिए पिंक कलर का, ये सिक्किम है जो कि आपके नेपाल, चाइना और भूटान, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, 3 इसके इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। तो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश है, इसमें भी आपका चाइना, म्यांमार और भूटान, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे इस तरफ है, तो यहाँ पे ये म्यांमार का एक बॉर्डर ब्लू कलर से आ रहा है, इधर भूटान का है और ऊपर चाइना का है। तो ये आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज तभी आप समझेंगे जब आप मैप का आपको पूरा पता रहेगा कि किस तरफ कौन सा स्टेट है। अब एक क्वेश्चन इसमें और है, आप देख रहे हो ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी, सनराइज ऑलवेज इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में सूर्य निकलता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट पे सनराइज होती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश उसका आंसर है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग अब चलेंगे आगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। आप देखो इस तरह के ये एसएससी सीजीएल में ही आया है टायर वन में। विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो जब आप इसको देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो आप बांग्लादेश सबसे ज्यादा इनसाइड है, ये पूरी तरह से इंडिया में ही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बांग्लादेश। आप लोग अगर खुद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें। देखो तो बच्चों आपको देखने से बांग्लादेश नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक कर्व से पूरा जुड़ा हुआ है। एक बार मैम थोड़ा मैप दिखाएंगे बच्चों को। देखिए बांग्लादेश का जो आपको दिख रहा होगा ये वाला है, देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखने से उतना बड़ा नहीं लग रहा। आप देखो नेपाल भी बड़ा लग रहा है, या टू सम एक्सटेंट आप देखो तो पाकिस्तान भी बड़ा लग रहा है, बट अगर आप इसके पूरा ये डायमेंशंस को पढ़ोगे तो आप देखोगे बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा जो है ये एसएससी सीरियल टायर में आया हुआ है। क्या है? विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ में सबसे ज्यादा लंबा बाउंड्री है इंडिया का, तो वो है आंसर बांग्लादेश। ठीक है, गलत मत करना। सेम इसी तरह वेस्ट बंगाल इज बॉर्डर्ड बाई ऑल दीज कंट्रीज एक्सेप्ट। इसको आप सिर्फ क्वेश्चन से आंसर से ही पकड़ सकते हो, बिकॉज आप देखो इसका बांग्लादेश है, एक ऑप्शन है पाकिस्तान, एक भूटान, एक नेपाल। जैसे ही आपको मैप ध्यान में आएगा मीन्स डायरेक्शंस, तो आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि पाकिस्तान इज इन वेस्टर्न पार्ट नॉट इन ईस्टर्न पार्ट। वेस्ट बंगाल क्या है? ईस्टर्न पार्ट में है। बांग्लादेश भी ईस्टर्न है, भूटान नेपाल ये तीनों है, बट पाकिस्तान नहीं है। सो दिस इज द आंसर पाकिस्तान। अब नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बांग्लादेश का, ये देखो बांग्लादेश से कौन सा नहीं होता है, बांग्लादेश ये रहा ऊपर वाली, ये बांग्लादेश है, ये बीच वाली जहां मेघालय लिखा है ना वो बांग्लादेश है। तो इसमें आपके देखिए आप कौन कौन सा शेयर हो रहा है, ये असम, असम बांग्लादेश को टच कर रहा है, उसके बाद आपका मिजोरम भी टच कर रहा है, लेकिन मणिपुर टच नहीं कर रहा है। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश ये लोग बांग्लादेश को नहीं टच कर रहे हैं। तो हम एक बार ऑप्शंस पे जाते हैं, वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है, मणिपुर नहीं टच कर रहा है, तो मणिपुर इज द आंसर। ठीक है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए ये क्वेश्चन आया है एसएससी 10+2 CHSL में 2017 में, 2017 में आया है। इसका आंसर है आपका रेड क्लिफ, अभी आपको बताया तो वही क्वेश्चन है। सेम इसी तरह विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन है आपके कि म्यांमार, अब आप देखो ये नीचे वाला पूरा म्यांमार पोर्शन है। ये म्यांमार है, आप देखो म्यांमार आपके मिजोरम से भी टच करता है, मणिपुर से भी, नागालैंड से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी, सिर्फ असम है अंदर में, असम से ये टच नहीं करता है। तो आप इसका ये देखेंगे इसमें क्या क्या है ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से टच करता है क्या म्यांमार, नागालैंड नहीं नहीं करता है। ठीक है, Which state does not share its boundary with Myanmar? Sikkim आना चाहिए इसका आंसर, because Sikkim is not sharing this. आप देखो सिक्किम कहाँ है, यहाँ है, म्यांमार से ये नहीं शेयर करेगा। इसका आंसर इज रॉन्ग, बट सिक्किम शुड बी द राइट आंसर। इंटरनेट में कई बार आंसर्स गलत दिए रहते हैं, तो ये इंटरनेट से हम लोग लिया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वेरीफाई कर लिया है, सिक्किम इज द आंसर, जिसका बॉर्डर की म्यांमार से टच नहीं होगा। वो आप लोग देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद भूटान। भूटान में आपका देखिए भूटान में कौन कौन से हैं, ये रहा भूटान, भूटान आपका असम टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो रहा है, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल हो रहा है, सिक्किम भी हो रहा है, तो नीचे वाले जो है वो आपके टच नहीं करेंगे। तो इसमें आएगा आपका मेघालय टच नहीं करेगा, सिक्किम टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश ये तीनों टच कर रहे हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसमें ये असम एक ऐसा स्टेट है जिससे लगभग ये सारी बाउंड्रीज टच करती है, सेवन स्टेट
टच करता है, आप इसको ध्यान से देखो। ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आसाम का है, जो कि क्वेश्चंस ये बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं। आप देखिए, ये आपका मेघालय, इधर से ये त्रिपुरा, ग्रीन वाले साइड चारों तरफ से ये लगा हुआ है, और इस तरफ से वेस्ट बंगाल से भी टच कर रहा है। तो इसको आप जरूर एकदम नोट में लिख लीजिए कहीं कि इससे कौन कौन सी बाउंड्री टच होती है, ठीक है। और नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम फोर्थ वाला और समझा दीजिए। हाँ, 1, 2, 3, 4, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, ये वाली। यस मैम। इसमें क्या है, देखिए आप, जब हम ये, जब इंडिया था, इंडिया के साथ में जब भी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है तो उसका कुछ नाम दिया जाता है। उस समय जो यहाँ पे अंग्रेज थे, उन्होंने एक नाम दिया उस बॉर्डर को। जैसे ये ब्लू लाइन आप देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी तरह हर कंट्री जो है ना, उसके साथ में एक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री तो टच होती है लैंड के साथ। तो वो टच हो रही है आपके चाइना के साथ, टच हो रही है। ये नेपाल आप देखो, पूरा अपने इंडिया में है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये कुछ एक जो नाम दिए हुए हैं स्पेशली, वो आज तक चल रहे हैं, मीन्स हिस्ट्री में वो दर्ज हो गए हैं वैसे नाम। तो इसलिए हम लोगों के लिए वो नाम इम्पोर्टेंट है एज ए जनरल अवेयरनेस। तो उसी में ये नाम आता है, मैकमोहन लाइन जो है, जैसे इंडिया चाइना के बीच में, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है दूसरा। तो मैकमोहन लाइन है जैसे इंडिया चाइना के बीच, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं उसको इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसी तरह पाक स्ट्रेट है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच, ये वाटर बॉडी है, पाक जल डमरू मध्य का लाइन है। इसी तरह डूरंड लाइन है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, सर क्रिक लाइन है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन ये समझ लीजिए कि किस किस तरफ कौन सी लाइन है, सो दैट आपके डायरेक्शंस क्लियर हो जाए। मेन सबसे बड़ी चीज है डायरेक्शन, वो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम। ओके मैम, गुड इवनिंग। अफगानिस्तान शेयर्स 106 किलोमीटर बाउंड्री, तो द नेम इज डूरंड फॉर देम, और इज इट फॉर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? एक्चुअली अफगानिस्तान हैज नाउ वेरी लेस, मींस कि सम स्ट्रेच इज ऑलरेडी देयर विद इंडिया आल्सो। सी हियर, अफगानिस्तान इज देयर ना, आप ऊपर देखोगे टिप पे जरा सा अफगानिस्तान आज भी इंडिया से टच कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही नहीं है। बट ये जब डूरंड लाइन बना, उस समय इंडिया पाकिस्तान एक था, तो ये जो ब्लू लाइन बनी वो एक्चुअल में इंडिया के लिए बनी थी, इंडिया अफगानिस्तान के लिए। तो इसलिए आप कहीं देखोगे लिखा रहेगा इंडिया अफगानिस्तान के बीच की डूरंड लाइन है, कहीं लिखा होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, बट एक्चुअल जो लॉन्ग लाइन है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ही है डूरंड लाइन अभी। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो नेक्स्ट आपका एक और मैंने रखा है क्वेश्चन, सो दैट कि पूरा ओवरव्यू मिल जाए। आए हुए क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्री इन द ईस्ट। ये आ ही गया आपका सीएचएसएल का 2020 का क्वेश्चन है ये। तो अब आप खुद बताइए, ईस्ट में याद कीजिए, ईस्ट किस तरफ है, ध्यान आ रहा है? बांग्लादेश म्यांमार की साइड है ईस्ट। बिल्कुल, उसी तरफ म्यांमार एंड बांग्लादेश। हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, वेस्टर्न पार्ट, ये जैसे ही आपको ध्यान में आएगा आधी चीजें आपके ऐसे ही ऑप्शन से क्लियर हो जाएगी चीजें। सेम इसी तरह देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। नेपाल के साथ कौन नहीं शेयर करता है अपनी बाउंड्री? तो आप थोड़ा सा सोचोगे इसमें ना, तो आपको यहाँ दिखाते हुए नेपाल का कहाँ है, नेपाल ऊपर की तरफ है। आप देखो, ये एकदम दिमाग में आप कहीं अपने रूम में एक मैप रख दीजिए, कभी भी जाते आते देखेंगे तो आपको ये हमेशा कंसेप्ट एक तरफ दिमाग में रहेगा। अब नेपाल ये देखिए, बिहार से टच हो रहा है, यूपी से टच हो रहा है, लेकिन आप सोचोगे असम से कैसे टच हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि असम तो खुद ही बीच में है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरह से आपको गेस करना है, सोचना है थोड़ा रुक के। देखिए, डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री, तुरंत आपको ध्यान में आएगा कि असम का पोजीशन कहाँ है, तो वो तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो कभी भी शेयर नहीं करेगा इसको, तो वो आपका आंसर होगा।
अब ये देखिए, ये तो 2021 में एसएससी में आया, द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स द लीगल बाउंड्री ऑफ इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आप जानते हैं इसका आंसर चाइना। इसी तरह इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर, मैंने बताया ना ये आपको सीएचएसएल में आया है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, अरुणाचल प्रदेश वो है जगह जहां सबसे पहले सन आता है, सनराइज होता है। क्यों होता है ये लॉजिक इसके पीछे, बिकॉज वो सबसे ईस्टर्न पार्ट पे है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब आई थिंक इंडियन मैप वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओनली यूनियन टेरिटरीज, थोड़ा सा आपको उसका भी ओवरव्यू होना चाहिए कहाँ कहाँ है, तो आप ये देखेंगे जब, देखिए दादर एंड नागर हवेली कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट पे है आपके। उसी तरह लक्षद्वीप, यहाँ पे आपका पुद्दुचेरी, ये आपका साउदर्न पार्ट में है, और लेह लद्दाख तो आप जानते ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर सबसे ऊपर है, दिल्ली भी है आपका यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी भी जरूर ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक आपके मैप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटे नहीं, सबसे पहले डायरेक्शन की वजह से कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का आपको बाउंड्रीज एकदम ध्यान में होना चाहिए कि कौन बीच में है कौन साइड में है, जैसे यहाँ पे है आपका, ये सब लटका हुआ है, आपको असम याद रखना है, इफ यू रिमेम्बर असम जस्ट इसके चारों तरफ आप निशान बना लीजिए दिमाग में अपने कि कौन कौन सा है, MTMMN कुछ भी, जो भी जिससे आपको याद हो, सो दैट कि आप कभी भूलो नहीं उस चीज को, और कोई भी जीके में पढ़ाई कीजिए तो उसको कुछ एब्रीविएशन बना के याद कीजिए, जैसे मैंने आप लोग के लिए ये बनाया, इसी तरह आपको जो सुटेबल लगता है, मैंने ये ना इधर उधर किया है, हो सकता है आपको कुछ और इसमें सूट कर रहा, वो आप उसको करो, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, फिर हमेशा याद रहेगी। ये मेरा अपना था तरीका पढ़ाने का और याद करने का। ठीक है, और दूसरी चीज एक और है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप जनरल अवेयरनेस आपका उससे बढ़ेगा, जो आपके 4-5 क्वेश्चन को कवर करेगा, और साथ ही साथ इंग्लिश, ये दोनों एक ही साथ में आपके दोनों ही तैयारी हो जाएगी, प्रिपेयर कर लोगे, यू कैन इजीली प्रिपेयर दैट। सो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए और साथ ही साथ आपके जीके और इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। नाउ थैंक यू ऑल, मैंने इतना बताया, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है साइंस में तो मैं साइंस भी आपको पढ़ाऊंगी, सो दैट आपका क्लियर हो डाउट्स एंड ऑल। थैंक यू प्रियंका मैडम, थैंक यू फॉर दिस सेशन जिसमें कि आपने इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में बताया। मैं जस्ट एक फास्ट रिकैप आपको करा दे रहा हूँ जो कि आपको मैम ने ऑलरेडी बताया। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, सो इट इज यूनियन टेरिटरीज आर 8 है, और अभी जो यूनियन टेरिटरी नया बना है उसका आप लोग जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि नया यूनियन टेरिटरी जो बना है या केंद्र शासित जिसको बोलते हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख रीजन जो है, JNK एंड लद्दाख जो बना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में वो आर्टिकल हटा था, ये सब आप पढ़ लो, तो 370 ये सब। फिर उसके बाद में जो मैडम ने स्टेट्स के डिविजन के बारे में बताया था, जो स्टेट्स के डिविजन आपके सामने में ये है, ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट, नॉर्थ के स्टेट, साउथ के स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मैडम ने जैसे आप लोग को बताया वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में गड़बड़ियां हो जाती हैं, तो उसको कोई बात नहीं है, आप लोग एक बार देख लोगे मैप, आजकल बच्चों 50 रुपीज में बहुत अच्छा मैप हैंग करने वाला मिल रहा है, तो मैं यही बोलूंगा सब लोग, आप लोग इस तरह का फिजिकल मैप, एटलीस्ट इसको फिजिकल मैप बोलते हैं, ये लेके अपने सामने रख लो, सो दैट कि आप ये मैप देखते रहोगे तो नॉर्थ ईस्ट को भी देखोगे, नॉर्थ को भी देखोगे, तो आप कई सारा क्वेश्चन इससे कर लोगे। जरूरी नहीं है कि आज का जो सेशन था उसके ही क्वेश्चन आप कर पाओगे, रैदर कि आप इस बाकी क्वेश्चंस भी कर पाओगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज जहां जहां लगती है, जैसे वेस्ट बंगाल के साथ 3 लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 बाउंड्रीज लगते हैं, और फिर सिक्किम के साथ भी 3 बाउंड्रीज लग रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को देखना है और समझना है, और समझ लोगे तो जीके को भी या बहुत ज्यादा याद नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज, जैसा कि मैडम ने काफी चीज आपको इलाबरेट किया, जस्ट रिकैप दे रहा हूँ, पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है,
डुरांड लाइन जो है वो पहले इंडिया था बट अब चूंकि वो पाकिस्तान हो गया है तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। सर क्रीक लाइन कहाँ है, तो इंडिया का जो रन ऑफ कच्छ, मतलब जो इंडिया का जो डेजर्ट वाला जो है, रेगिस्तान वाला जो गुजरात का एरिया है, वो और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ से भी बहुत घुसपैठ होता है, पाकिस्तान से भी आते हैं, स्मगलिंग भी होता है, तो ये सब चीज ध्यान में रखना और न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो और क्लियर होते जाएगा। ये आ गया आपका जो है वो पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, तो ये सब आप तो खास करके एटलीस्ट फिजिकल मैप तो रखो ही। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है जिसमें आप देख सकते हो ये एक्चुअली अब 8 स्टेट्स हैं, पहले ये 7 थे बट 7 के बाद सिक्किम और बन गया था, ठीक है। और आप देखोगे असम जो एक ऐसा स्टेट है जो बाकी सब लोग के साथ में टच भी कर रहा है, तो इस तरह से इसको एनालाइज करो। इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि एसएससी, देखिए सीएचएसएल में आया है, टायर 1 सीजीएल में आया है, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है और ये सिंपल श्योर शॉट क्वेश्चन अगर आपने मैप एनालिसिस कर लिया है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स अगेन टू प्रियंका मैम एंड थैंक्स आप स्टूडेंट्स लोग का कि आप लोग इसको अटेंड किए, बट इसको फायदा लीजिए। और आप लोग को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट जीनी पे जो ये है, आप लोग सीएचएसएल का जनरल अवेयरनेस से ही शुरू करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो सकता है अभी आपसे नहीं हो रहा होगा, बट टेस्ट जीनी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीएचएसएल के जीडी वाले जो भी बच्चे हो उन लोग सबके लिए टेस्ट क्वेश्चन अपलोडेड है, उसको दो और देखो कि कितने मार्क्स आए। एटलीस्ट आपको फील हो जाएगा कि टेस्ट कैसे हम लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उस दिन फाइनल एग्जाम किया जाएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि 2-4 मिनट है अभी हमारे पास में, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट अपना फिर म्यूट कर लीजिएगा। बताइए किसी का डाउट नहीं है तो फिर सेशन को आज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा इस साल नहीं होगा, वो हमारे अगले साल होगा, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल इन एडवांस। मगर हम लोग सोच रहे थे कि संडे को आपका टेस्ट रखें, बट ये संडे जो है वो जनवरी 1 को पड़ रहा था, तो संडे को हम लोग नहीं रख रहे हैं। मंडे के सेशन में एक टेस्ट भी ले लेंगे। सिर्फ देखो मेरे को उसमें ये नहीं, हम देखने वाले हैं कि आपको कितना मार्क्स आया, आपको 2 out of 40 भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको फील देना चाहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होगा, तो उसके बारे में और फर्दर बात करेंगे। आप लोग को बहुत सारा सर, हेलो सर, बोल रहा हूं आज के क्लास का कोई पीडीएफ है? पीडीएफ तो चलो मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ भी आपको शेयर करने का, बट वीडियो तो ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, तो वीडियो को आप देखोगे वहां से लिखोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग वर्क करोगे रोकोगे उसको देखोगे वीडियो को, जब स्लाइड्स चल रहा था तो आपका कंसेप्ट वो आपका बनते जाएगा, तो वो पीडीएफ भले ही मैं नहीं शेयर करूं इस वाले का, बट आप लोग इसको वीडियो से देख के रुक के अपना नोट्स बनाना, ठीक है? ओके सर। ओके सो गुड, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल इन एडवांस, बहुत सारा शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू, आप लोग का सक्सेस आए, आप लोग का सक्सेस आएगा जब आप लोग जिस दिन सक्सेस स्टोरी लिखोगे उस दिन मैं पूरा अलाउ करूंगा बच्चों की, उस दिन बात भी कर लो, चिटचैट भी कर लो, उससे पहले मैं आप लोगों को चिटचैट नहीं करने देता हूँ ग्रुप में, क्योंकि हम लोग सबके लिए इम्पोर्टेंट है आपका सक्सेस, ठीक है? वंस अगेन गुड लक, हैप्पी न्यू ईयर।